नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह, शैक्षणिक परामर्शदाता योग, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा विषय है वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन, जिसका एक अमूल्य भाग है। अष्टांग योग 8 अंगों से मिलकर बना है। हम जान लेते हैं ये इसका अपना इतिहास क्या है। भारत अपने दर्शनों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो जो पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये सारे दर्शन क्यों हम लोगों को दिए गए? जीवन को कैसे हम पूर्णता की तरफ बढ़ें, कैसे पूरी संभावनाओं को हम खिला सकें, ये पूरे पांचों तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कैसे सामंजस्य से रहें, जन जंगल जमीन कैसे पूरी तरीके से प्रकृति जन्य यात्रा की तरफ बढ़े, तो ये पूरे दर्शनों का जो क्रियात्मक भाग है वो है योग दर्शन। अब योग दर्शन में किस तरीके से हम अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं, उसी में महर्षि पतंजलि जी ने हमें अष्टांग योग दिया। देखते हैं, देखिए एक बीज जो होता है, छोटा सा बीज, उसमें अनंत संभावनाएं होती हैं। क्या बनने की? टहनी बनने की, पत्ते बनने की, डालियां बनने की, बहुत से फूल और पुष्प लाने की, और फिर लाखों बीज अपने जैसे बनाने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर उसको वो परिस्थितियां ना मिले, संभावनाएं ना मिले, खाद पानी ना मिले, उर्वर जमीन ना मिले, तो क्या वो बीज संभावनाओं को प्राप्त कर सकता? नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरीके से मानवीय चेतना है हमारी, अगर उसको सही परिस्थितियाँ, सही रास्ता, सही मंजिल नहीं मिलती है तो क्या होता है, वो सुसुप्ता अवस्था में रहता है। इस मानवीय चेतना में हमने प्रकट्य रूप में भी देखा है, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य जी छोटी सी उम्र में पूरे देश को एक सूत्र में बांधे। इतनी संभावनाएँ हैं जिससे हम ये मानवीय चेतना को पूरी तरीके से खिला सकें। तो आज हम सब लोग इस मार्ग को, ये अष्टांग अंग हैं, ये अलग अलग नहीं है, जरा समझ लेते हैं। अंग जैसे एक मानव जन्म जब होता है, छोटा बच्चा होता है, तो ये कान अलग से नहीं बढ़ते, नाक अलग से नहीं बढ़ती, ये सब एक साथ विकास करते हैं। तो जब हम किसी मार्ग को जब पकड़ेंगे तो हम सबका इन सारे 8 अंगों में एक साथ विकास होता है। प्रिय शिक्षार्थियों, ये जो पाठ्यक्रम का आपका एक भाग है पतंजलि योग सूत्र या योग दर्शन, चाहे वो परास्नातक हो, चाहे स्नातक हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, योग के कोई भी कोर्स होंगे, उसका मुख्य ग्रंथ जो है पतंजलि योग दर्शन है। और पतंजलि योग दर्शन में जो मुख्य है वो अष्टांग योग है। तो आज हम जानते हैं कि अष्टांग योग क्या होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, अपनाने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। और एक चीज़ है, योग कहता है व्यक्ति का रूपांतरण ही समाज का रूपांतरण है, व्यक्ति का निर्माण ही राष्ट्र का निर्माण है। तो जब एक व्यक्ति खिलता है तो आसपास सब कुछ खिल जाता है। जब एक सुभाष खिलता है तो देश आज़ाद होता है, जब एक गांधी खिलता है तो सोई हुई चेतना जाग जाती है, जब एक शंकराचार्य खिलता है तो पूरे वेद वेदांत फिर से अपनी पूर्णता की तरफ प्राप्त कर लेते हैं, और एक बुद्ध खिलता है तो पूरी दुनिया में शांति अहिंसा का पैगाम फैल जाता है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कितने देशों में हमारे बुद्ध कल्चर फैला हुआ, वो भी अष्टांगिक मार्ग था जिसको अपना के सुख शांति और प्रेम के द्वारा हम आगे। आज आप परिस्थितियां देख रहे हैं, पर्यावरण की समस्या, भाग दौड़ भरी जिंदगी, आधुनिक शिक्षा पद्धति हमारे पूरे अस्तित्व को लयबद्धता टूट गई है, हमें तनाव, बीमारियां, परिवारों का टूटन, ये सब चालू हो चुका है। ये अष्टांगिक अष्टांग मार्ग हमें उन सब चीज़ों से निस्ता दिला के, उनसे हटा के हमें फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम देखते हैं अष्टांग योग क्या होता है। देखिए, अष्टांग योग 8 अंगों से मिलके बना है। उसके 5 जो होते हैं वो बहिरंग होते हैं और 3 भाग उसके जो होते हैं अंतरंग होते हैं। तो बहिरंग में क्या क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और अंतरंग में क्या आता है? धारणा, ध्यान, समाधि। तो महर्षि पतंजलि जी का जो योग सूत्र है वो 4 भागों में है। पहले समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो ये जो बहिरंग साधन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनको
साधन पाद में बताया गया है और धारणा ध्यान समाधि ये विभूति बात में आते हैं। तो आज हम जानते हैं कि यम क्या होता है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अगर अष्टांग योग को हम जीवन में अपनाते हैं तो क्या होता है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, ये तीक्ष्ण होते हैं। और एक मानवीय चेतना को खिलाने के लिए विवेक का होना नितांत आवश्यक है। जब विवेक खिलता है, विवेक जागता है, उसके साथ उसकी संगनी स्वतंत्रता आती है, और जब दोनों खिलते हैं तो व्यक्ति पूर्णता की तरफ बढ़ता है। अब हम इसमें देखते हैं जो ये यम है इसके 5 भाग हैं। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं अहिंसा। अहिंसा आप सुनते ही, बहुत समय से हम लोग सुन रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना ही क्या हुई, अहिंसा हुई। जब हम किसी को मन से गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, तो हम दूसरे के प्रति हिंसा उसके प्रति तो करते हैं। गलत विचार जब हमारे अंदर आते हैं वो हमारे अंदर भी विसंगतियां पैदा करते हैं और हमारी भी चैतन्यता को भंग करते हैं, हमें दुखी करते हैं। तो अहिंसा इसलिए भी जरूरी है हम लोग भी सुख शांति से रहें। समझ रहे हैं? देखो, हम सोचते हैं कि ये सारे जानवर शिकार करते हैं, अखेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक शेर जब शिकार कर लेता है फिर उसके सामने सारे जंगली जानवर घूमते रहे, वो किसी को नहीं मारता, वो कोई खुशी प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं। एक अजगर एक बकरी खा लिया तो हफ्तों ऐसे पड़ा रहता, इतना खूंखार जानवर, किसी को नुकसान। लेकिन मनुष्य जो है वो क्या करता है, अपनी खुशी मनाने के लिए अखेट करता, उस जानवर से उसका कोई मतलब नहीं, ये हिंसा हुई। आप सोचते होंगे एक डॉक्टर जो होता है वो किसी का देखो अंग काट देता है, हम सोचते हैं कि अरे हम रास्ते में चल रहे हैं इतनी चींटियां मर गईं, ये भी तो हिंसा है। हमारी नानी जी हमसे कहती थी कि ये हिंसा है, देख के चला। लेकिन अज्ञानतावश अगर वो चींटी मर गई तो हम क्या सोचें, वो हिंसा है कि अहिंसा? मरी तो, लेकिन वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है, क्योंकि हमने जानबूझ के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। जब हम किसी बात से जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर क्या होती है, वो हिंसा होती है। अब अहिंसा का अगर पालन करेंगे तो क्या होगा, आप सोचें कि हम क्यों पालन करें अष्टांग। तो पालन करने से उन्होंने कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम, वैर त्याग, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है उसके सानिध्य में आने से लोग वैर त्याग सोच देते हैं। मान लो आप बैठे हैं, आपको कोई मारने आ रहा है या कोई हिंसा करने आ रहा है, जैसे ही आपके पास पहुंचता है और हिंसा करना छोड़ देता है। उदाहरण था जब भारत आज़ाद हुआ, पूरे देश में इतना ज़्यादा क्रांति मच गई, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन जहाँ से महात्मा गांधी जी गुजर जाते थे लोग हथियार छोड़ के छिप जाते थे। ये सब इतिहास में है, सब लोगों ने देखा। तो जैसे ही आप हिंसा में स्थापित होते हैं तो आपके आसपास सारे लोग हिंसा छोड़ देते हैं। महात्मा बुद्ध का देख लीजिए, अंगुलीमाल क्या था, एक बहुत बड़ा डाकू था, लेकिन बुद्ध के संपर्क में आते ही क्या हुआ, उसने हिंसा के छोड़ के एक अहिंसक मार्ग अपना लिया। वाल्मीकि कौन थे, वो भी तो बहुत हिंसाताई थे, लेकिन जब अहिंसक व्यक्ति उनको मिला उन्होंने मार्ग बदल लिया। तो जब आप अहिंसा का पालन करेंगे अपने आसपास घर परिवार में सब में सुख शांति उत्पन्न हो जाएगी, आप शांत हो जाएंगे, तो अहिंसा का पालन करने से आपका कोई बैरी नहीं रह जाएगा। अब दूसरा जो आता है यम का दूसरा भाग आता है सत्य। अब सत्य क्या है, मिथ्या भाषण ना करना ही सत्य है। जब हम किसी को मिथ्या भाषण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, जो जैसा है उसको वैसा ही कहते हैं, वो क्या हुआ, वो सत्य हुआ। सत्य, सत्य जैसे एक शब्द है सत्य, लेकिन सत्य है क्या? और गहरे में जाएंगे इस अपरिवर्तनशीलता का ज्ञान सत्य है। देखो यहाँ सब कुछ बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लाखों लोग आए, करोड़ों लोग चले गए, करोड़ों आएंगे चले जाएंगे। जब हम इतना बड़ा विस्तृत रूप से सत्य का ज्ञान होता है तो क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ों में, शरीर में, विचारों में, भावनाओं में नहीं फंसते। समझ रहे हैं, हम अनंतता के साथ जोड़ लेते हैं, उस परम पिता, उस शाश्वत चेतना के साथ एक हो जाते हैं, तो हमारी चेतना ऊपर होने लगती है। लोग कहते हैं कि अरे अधर्म बढ़ रहा है, सत्य का पालन करने वाले लोग पीछे हो रहे हैं, आजकल सुनने में आ रहा है सत्य पीछे, नहीं, अपने ग्रंथों में भी लिखा है, अमेरिका की मुद्रा में भी लिखा है, सत्यमेव जयते,
सत्य की हमेशा विजय होती है, यह निश्चित है। समय लग सकता है लेकिन सत्य हर देश काल परिस्थिति में हमेशा। अच्छा बताइए, आप शहर में किस दुकान में जाते हैं? जो सड़ी गली मिठाई खिलाता है, जो अच्छी खिलाता है। हम कैसे वकील के पास जाना चाहते हैं, कैसे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो सही से इलाज करे, गलत इलाज ना करे, चाहे वो जिस जाति धर्म का हो। उस समय हम नहीं देखते सब चीज़ें। तो सत्य सबको पता होता है, सत्य के मार्ग पर चलने से होता क्या है। क्रिया फलम सर्वत्वम, हमें क्रिया के जो, जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म करते करते हमें फल नहीं मिलते या बहुत बाद में मिलते हैं, लेकिन जब आप सत्य पे हो जाते हैं तो जिस प्रकार के कर्म करेंगे उनका तत्क्षण फल मिलता है, वो तुरंत फलित होते हैं जीवन में। तो आप सत्य के पालन करने से आपको क्या फायदा होगा, आप जब ये सारे कर्म करेंगे आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो महर्षि पतंजलि हमें धीरे धीरे ऐसे ही लेते चले जा रहे हैं आगे की तरफ। अब आगे आते हैं तीसरा भाग जो है अस्तेय। जब चोरी करते हैं हम तो क्या होता है, किसी की कोई वस्तु चुराना चाहते हैं। आज कॉपीराइट का उल्लंघन करके लोग किसी का नोट्स ले लेते हैं, किसी का गाना चुरा लेते हैं, किसी का, जानते हैं जब आप किसी का चुराते हैं तो आपके अंदर एक भाव आता है, गरीबी का भाव, कि आपसे वो श्रेष्ठ है और गरीबी। आप कितने भी बड़े हो जाओ, अगर एक बार ये भाव आपके जीवन में जन्म ले लिया तो आप कभी ऊपर चेतना को खिला ही नहीं सकते। तो चोरी ना करना। किसी के पास कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको अपना पाना चाहते हैं, अगर नहीं पा पाते तो ईर्ष्या और क्रोध होता है, आपका तो नुकसान होता ही, समाज में बहुत विसंगतियाँ हो जाती हैं। आज देखो देश में 5 करोड़ केस लंबित हैं, क्यों? चोरी, व्यभिचार, इन सारी चीज़ों को। समाज अस्थिर हो रहा है, लोगों के ऊपर विश्वास हट रहा है। तो समाज और व्यक्ति कैसे आगे बढ़े, इसी के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ये गुण जीवन में होना ही चाहिए। अच्छा क्या करते हैं, अगर हम अस्तेय का पालन करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सभी प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, आपके आसपास तमाम शक्तियाँ संभावनाएँ पड़ी रहती हैं, लेकिन जब आप चोरी का भाव होता है तो आपको दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे आपके लिए रोजगार पड़ा है, आपको बहुत सी चीज़ें आप सिखा सकते हैं, आसपास लोग बैठे हुए हैं, संभावनाएं हैं, लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब ये भाव रहता है, चोरी का भाव रहता है, तो ये आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही आप अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, सारे रत्न, सारी संभावनाएँ निकल के ऊपर आ जाती हैं। तो ये अपने लिए ही है, चोरी का भाव ना हो। अपरग्रह, अपरग्रह का मतलब क्या है, संचय करना कर, अपने स्वार्थ हेतु मोहवश आवश्यकता से अधिक हम लोग संचय करते हैं, ये आध्यात्मिक जीवन यात्रा के लिए ठीक नहीं होता। देखो क्या होता है, जब निरंतर अपने विषय में ही सोचते रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं। अरे इस अस्तित्व पे विश्वास करो, करोड़ों सालों से ये जीवन चल रहा है, आगे भी चलता रहता है। मनुष्य को छोड़ के कोई भी जीव जंतु संसार में इतना इकट्ठा करके नहीं रखता है कि कल का जीवन कैसे चलेगा, लेकिन चलता है, 84 लाख योनियों का जीवन चलता है। तो जब आप अस्तित्व में विश्वास करते हैं, अस्तित्व के साथ जुड़ते हैं, तो आप पावरफुल हो जाते हैं। क्यों लोग बैंक में पैसा, विश्वास नहीं है, और जब विश्वास ही नहीं होगा तो आप मजबूत कहाँ से होंगे। लेकिन महर्षि पतंजलि जी इसको कहते हैं कि अगर इसका पालन करोगे तो होगा क्या, जन्म कथा संबुद्ध, पुराने जन्मों की, पुराने योनियों की बारे में हमको पता चलने लगता है, और फिर हम इन सब चीज़ों से निकलने लगते हैं। इसलिए अपरग्रह का पालन करना चाहिए। पांचवा है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म मतलब असीम, चर्य मतलब चलना। जैसे ब्रह्म का आचरण होता है उसी तरीके का आचरण करना, एक अनंत शक्ति की तरह प्रभावित होना। इसमें यह भी आता है, लोग मानते हैं अभावित रूप से ब्रह्मचर्य माना गया है, हाँ वो ठीक है, किसी को गलत भावना रखना, गलत साहित्य न देखना, गलत चीज़ों को न पढ़ना, उससे क्या होता है, आपकी पूरी दृष्टि जो होती है, आपका मन और आपके विचार दूषित हो जाते हैं, और आपकी शक्ति का क्षय होने लगता है, देखने में, सुनने में, आपके शरीर में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है, वीरनाश होने लगता है। आप देखो जो दारू की दुकानों में
सिगरेट की दुकानों में ये सब बैठे रहते हैं, उनके पास आप जाते हो, उनके अंदर कोई औरा नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, शक्तिहीन होते हैं वो लोग, उनके पास कोई बैठता नहीं। जो शक्तिहीन होता है हमेशा गुलाम होता है। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप किसी के गुलाम न रहें, अपने मन बुद्धि अपने विचार आपके अपने हों। आपके आप जब निस्तेज हो जाएंगे, आपकी शक्ति बाहर चली जाएगी, आपके पास कोई नहीं आएगा। आप ना अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, ना अच्छे पिता हो सकते हैं, ना अच्छा परिवार आपका हो सकता है। तो बड़ी सोच के लिए कर्म बुद्धि मन एक अनंत चेतना के साथ जोड़ना ही ब्रह्मचर्य, और उसके हिसाब से कार्य भी करना। इस प्रकृति को कैसे अच्छा सुरक्षित कैसे बनाएं? तो जब महर्षि पतंजलि यम के बारे में कहते हैं, ये महाव्रत हैं, इनके पालन करने से ये देश काल परिस्थिति चाहे जितनी बदल जाए, जब आप इनका पालन करते हैं तो ये सारे फल आपको प्राप्त होने लगते हैं। आप करके देख लो, ये निश्चित है, शाश्वत सत्य है। तो अभी हमने यम का पहला भाग जाना, ऐसी यात्रा बढ़ती है। अगर मन नहीं लगता यम के पालन करने में, मन इधर उधर जाता है, तो क्या करें? फिर आते हैं नियम। इनका पालन करने से हमें नियमता आती है, यम का पालन करने से आत्मसंयम आता है। बिना नियमता से आप देखो जीवन चल सकता है क्या? आप आलसी हो जाओ, 10 बजे सो के जगते हो, 2 बजे रात तक जगते हो, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कभी कभी आप उन्नति को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। साधना की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूर्णता की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसमें है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहले हम जानते हैं सोच के बारे में। देखो सोच दो तरीके से होता है। पहले हम नहा लेते हैं, वातावरण का सोच, अपने कपड़े धुल लेते हैं, आसपास घर की सफाई करते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं, सुंदर बनाते हैं। ये बाहर की शुद्धता हो गई, अंतरंग शुद्धता, हमारे विचार शुद्ध हों, हमारा मन शुद्ध हो, हमारे भाव शुद्ध हों, वो अंतरंग शुद्धता हो गई। अब इन्हीं दोनों को साफ करने के लिए तो हम आगे के अभ्यास करते हैं। तो ये सोच हो गया। संतोष, बोलते हैं संतोष धन दुनिया में सबसे अच्छा होता है। हम लोग परेशान क्या है? जो हमें सब कुछ मिला हुआ है आज, अगर हम उसमें संतोष नहीं होता, हम आगे के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारा विकास नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब संतोष होता है तो आप वर्तमान में स्थित हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। अब जब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आप वर्तमान में टिक जाते हैं, तो इस पल पे आपके कार्य होने चालू हो जाते हैं, आप एक्शन कर सकते हैं इस पल पे। तो संतोषी व्यक्ति हमेशा कार्य में प्रवृत्त रहता है, और जो कार्य में प्रवृत्त रहता है वो निश्चित रूप से आगे लाभ प्राप्त कर सकता है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अगर हम संतोष करते हैं तो क्या होता है? हमारे पूर्वज कहते हैं, गोधन गजधन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब ये संतोष धन आ जाता है तो सब प्रकार के धन धूल दूषित हो जाते हैं। सबसे बड़ा धन जो है वो संतोष धन है। पहले जब कभी बैठिएगा, ईश्वर का धन्यवाद दीजिएगा, ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन के बाद आप इस दिशा ज्ञान की तरफ प्रवृत्त होते हैं, योग की तरफ प्रवृत्त होते हैं। ये सबसे बड़ी इकलौती घटना है। लाखों लोग आते हैं, अपने को जानते ही नहीं, चले जाते हैं। उसके लिए भी धन्यवाद देना। आप कहीं कुछ कार्य कर पा रहे हैं, आपके हाथ पैर सम्मिलित हैं, उसके लिए धन्यवाद देना, सुखी हो जाना। एक छोटी सी कहानी है, एक भाव कैसे होता है संतोष का। एक गुरु शिष्य थे, दोनों लोग एक कुटिया में निवास करते थे, झोपड़ी थी। तो खूब पूजा पाठ करते थे, लोगों की सेवा करते थे, आदिवासी इलाकों में रहते थे। एक बार दोनों लोग, कभी योगी रुकता ही नहीं था, चलते रहते थे सब लोग। तो जब लौट के आए तो देखे एक बड़ी आंधी आई थी और उनकी आधी कुटिया उड़ गई। तो उनका शिष्य जानते हैं क्या कहता है? कहता है, गुरुजी देखिए, हम लोग भगवान की सेवा पे लगे रहते हैं, लेकिन भगवान ने हमारी कुटिया की रक्षा नहीं की। और गुरु क्या कहता है? हे भगवान, इतना आंधी तूफान आया, उसने आपने आधी झोपड़ी बचा लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हैं ना? तो जब संतोष आता है ना जीवन में, तो आपको आसपास अपनी चीजें दिखाई देने लगती। तो सोच, संतोष, तप। तप क्या होता है? बोलते हैं, जब भूषण को पिघला दे तो तब ही सोना बन जाता है। यूं तो माया सागर में सभी लपटे रह जाते हैं, पर इससे कुछ जो ऊपर उठते वही कुछ कर दिखलाते हैं। जीवन इतना क्षुद्र, फिर क्यों इसका शोक करें? जब मानव तल में जन्म लिया तो
तो उत्कर्ष करें। कैसे उत्कर्ष होगा? बिना तपे कभी जीवन में खिल नहीं सकते, भूषण बन नहीं सकते। इसीलिए अपने योगियों ने, ऋषियों ने तप को बहुत बड़ा महत्व दिया है। आपको तपना पड़ता है, सब कोई दुनिया सोई रहती है, आपको जगना पड़ता है। अपने विकास के लिए चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी शुरू में, योग करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर आप कभी जीवन में बीमार भी नहीं होगे अगर तप के लिए। अभी बाल्यकाल का जीवन जो अपने पढ़ाई का जीवन होता, उस पल जिस विद्यार्थी ने मेहनत कड़ी कड़ी मेहनत किया, तप किया, वो एक दिन पूरी ज़िंदगी खुश शांति से रहता है, लोगों के काम आता है। और जिसने तप नहीं किया, फिर जीवन कैसा होता है? पूरा ज़िंदगी कलह हो जाती है। तो तप करने से क्या होता है? जीवन खिलता है, जीवन पूरा निखरता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। एक बीज अगर मिटने को न तैयार हो तो कैसे एक पौधा बन सकता है? इसलिए एक विद्यार्थी, एक साधक अगर तप करने के लिए तैयार नहीं होगा तो कभी अपनी उन्नति की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए तप करना बहुत जरूरी है। तो समस्त तंतोस तप, स्वाध्याय क्या होता है? अपना अध्ययन करना। अपना अध्ययन क्या कैसे करेंगे? गुरु के मार्गदर्शन में रह के। गुरु नहीं है तो कैसे? ऐसे महापुरुषों के प्रवचन, उन ग्रंथों को पढ़ के, जैसे महर्षि वेद जो अपने वाल्मीकि जी, योग वशिष्ठ जी हुए, उन्होंने राम के साथ संवाद हुआ तो योग वशिष्ठ जन्म लिया। राम भगवान को जानना है, राम इतने महान क्यों बने, तो जरूर जानना चाहिए उसके पीछे उनको कौन सा ज्ञान मिला था, तो योग वशिष्ठ। पूरी दुनिया में आज श्रीमद् भगवद गीता पढ़ जाती है, चाहे इस काल में सबसे ज्यादा अनुवाद होने वाली जो पुस्तक है वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो जो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध करूं कि ना करूं, क्या सही है क्या गलत है, क्या लाभ है क्या हानि है, अगर हमारे जीवन में भी तो युद्ध चल ही रहा है ना, क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूं, मेरे क्या कर्म है। तो अगर जानना है तो श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण करिए। वो देश काल परिस्थिति से बाहर है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने रचना किया, ये शाश्वत है। वेदों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, उससे हमारा अध्ययन होता है। कुछ देर शाम में, एक सामान्य जीवन, व्यवहारिक जीवन में कुछ देर शाम में बैठे हैं और सोचे कि आज पूरा दिन क्या उस यात्रा, उस पूर्णता की यात्रा के लिए गया क्या हमारा? स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। गांधी जी इसमें बहुत जोर देते थे, और शाम में बैठ के हमारे सारे पूर्वज कुछ देर बैठ के अपना अध्ययन करते थे, हमने क्या किया। तो फिर रोज सुधार के प्रज्ञा, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को पूर्णता समर्पित कर देना। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमसे नहीं हो पाती हैं, हम नहीं कर पाते, तो जो एक बड़ी शक्ति है, महर्षि पतंजलि ईश्वर प्राणिधान में समझ लीजिए, किसी ईश्वर की बात नहीं कर रहे, किसी रूप रंग की बात नहीं कर रहे, कर्म विपाक आशय, जो इन सब चीज़ों से मुक्त हो, उस असीम चेतना पे अपने आप को समर्पित कर देना कि देखिए हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे चेतना, मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। समर्पण करने से क्या होता है? बाद में कृष्ण जी ने भी कहा अर्जुन से, कुछ ना हो तो तुम समर्पण कर दो, मुक्त हो जाओ इस सारे भार से। जब हम समर्पण करते हैं, एक बड़ी चेतना के साथ जुड़ते हैं, तो क्या होता है, हम मुक्त हो जाते हैं और उस ईश्वर के साथ जुड़ते हुए शक्तिशाली हो जाते हैं, जो हमें चेतना मार्ग पे आगे बढ़ने पे मदद करती है। तो अभी हमने नियम में क्या देखा? सोच, शरीर की शुद्धता, संतोष, सुख कैसे प्राप्त हो संतोष से, तप, तप से हम कैसे निखरें, स्वाध्याय, अपने आप को जाने, और ईश्वर प्राणिधान, सबको समर्पित कर देना और मुक्त हो जाना, खाली हो जाना, कोई भार नहीं। अब ट्रेन में चढ़ गए हैं तो गठरी रखने का कोई फायदा नहीं, सब उतार के रख दो, खाली हो जाओ, फिर नए सिरे से चालू करो। तो इनके पालन करने से फिर हम योग के मार्ग में बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो सब कर लिया, लेकिन ये शरीर भी तो ठीक होना चाहिए। शरीर मोटा है, तगड़ा है, अस्त व्यस्त है, तो क्या होगा? हम इन सब चीज़ों को नहीं अपना सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि जी बात करते हैं आसन के। आसन को उन्होंने कहा स्थिर सुखम आसनम। जिस स्थिति में आप स्थिर और सुखपूर्वक रह सकते हैं वो क्या है? आसन है। देखिए आसन की छह अवस्थाएं होती हैं, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे। हमारा शरीर इससे जब पूरे आसन, क्यों शरीर लचीला होना चाहिए? ब्लड का और ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे शरीर में हो। अब ये अंग अगर जड़ हैं, मान लो ये हाथ जड़ हो गया, तो यहाँ ब्लड ऑक्सीजन का प्रवाह बंद हो जाएगा,
तो क्या होगा, ये अंग कमजोर होने लगेंगे। इसी तरीके से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन लगातार मिले, इसके लिए हम पूरे शरीर को लचीला बनाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। घृण संहिता में 32 आसन, हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन दिए गए हैं, हमारे मूलभूत हठ योग के ट्रेडिशनल ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन करेंगे तो बताएंगे। फिर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं करना कैसे है आसन को, उन्होंने कहा प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति में, हम प्रयत्न करना है उसी में शैथिल्य कर देना। मान लो मैंने प्रयत्न किया, अब मैं इसी में शैथिल्य कर दूं अपने आप को, और अनंत समापत्ति में हम अपना अनंत में मन लगाना है, इस शरीर में नहीं, उस अनंतता के साथ अपने आप को जोड़ना, थकावट नहीं लगेगी। एक्सरसाइज योग में यही अंतर, आप अनंत के साथ इस छोटे वृष्टि को समष्टि के साथ जोड़ रहे हैं, आप थकेंगे नहीं, आपका शरीर लचीला हो जाएगा। उसका फायदा क्या होता है, उन्होंने कहा ततो द्वंद्वानि विघाता, सारे प्रकार के शारीरिक मानसिक द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। आमाने अभ्यास सामान्य संयम ना माने निरंतर, जो अभ्यास संयम के साथ निरंतर किए जाएं वो आसन, संयम के साथ निरंतर मतलब शरीर श्वास मन तीनों जोड़ के, ये नहीं कि हाथ ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, नहीं, पूरे संयम के साथ अगर जा रहे हैं तो पूरा ध्यान आपकी हथेलियों पर, दोनों हाथों को मान लीजिए तड़ासन कर रहे हैं तो पूरा ध्यान श्वास के साथ, शरीर के साथ, मन एकाग्र, फिर धीरे धीरे ही आते हैं। इसी तरीके से कुछ शरीर संवर्धात्मक आसन होते हैं, कुछ ध्यानात्मक आसन होते हैं, कुछ हम बैठ के करते हैं, कुछ पीठ के बल करते हैं, कुछ पेट के बल करते हैं, जिससे पूरे सिस्टम को, कोशिका से लेके पूरे शरीर को हम क्या करते हैं, लचीला बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं, सुसुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। तो शरीर अगर ठीक हो गया, स्थिर हो गया, तो बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम क्यों जरूरी है, प्राण धन आयाम, वो जीवनी शक्ति जिसको दिशा देना, जिससे जीवन चलना है, प्राणायाम। अच्छा बताइए, सबसे पहले जब संसार में आए थे तो हम लोगों ने क्या किया था, एक श्वास लिया, अब जब इस संसार से जाएंगे तो क्या करेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। देखो श्वास लेना और छोड़ने के बीच में जो समय है ना, वही जीवन है, ये कब निकल जाएगी पता नहीं, तो इस विज्ञान को जानना ही प्राणायाम। दूसरी चीज, विज्ञान ये कहता है कि 90% शरीर की गंदगी, जो टॉक्सिन्स हैं, वो श्वास के माध्यम से बाहर जाते हैं, केवल 10% मलमूत्र पसीने के माध्यम से, और हम अपने फेफड़ों का कितना प्रयोग करते हैं, एक तिहाई, तो सारी गंदगी कहाँ रह जाती, यहाँ। तभी तो कोविड की प्रॉब्लम आई, फेफड़े और गले जाम हो गए, क्योंकि फेफड़े पूरी तरीके से पंप नहीं कर रहे। फेफड़े हृदय काम क्या है, पूरे शरीर में ब्लड ऑक्सीजन को पहुँचाना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड, अब पूरी वेग से जब करते हैं तो पूरी वेग से जाते हैं, तो गंदगी को बाहर निकालने का एक बड़ा माध्यम। दूसरी चीज़ प्राणायाम में आप देखिए, ये मन के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये जो श्वास है मन के साथ भी जुड़ी है। आपको गुस्सा आता है तो श्वासें कैसे चलती हैं, तेज के धीम, तेज चलती है ना, शरीर ठंडा रहता है कि गर्म, गर्म हो जाता है। देखिए आपकी श्वास तेज चली, आपका शरीर गर्म, गुस्सा आ गया, आपको डर लगता है, आपकी श्वासें कैसे चलती हैं, उखड़ी उखड़ी चलती हैं, लाल पीला नीला चेहरा हो जाता है। श्वास को बदल दो तो मन को बदला जा सकता, इसलिए महर्षि पतंजलि जी इसका सूत्र देते हैं, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम, ये जो श्वास प्रश्वास की गति है इसको विच्छेद कर देना, क्यों क्यों कर देना, नियमन कर देना, दिशा दे देना, क्योंकि आज की जो जीवनचर्या में है, हमने इस श्वास प्रश्वास को बिगाड़ लिया है, ये भावनाओं लय में फंस गई है, इससे बाहर निकलें। तो इसीलिए हमारे और शास्त्रों में घृण संहिता, हठ योग प्रदीपिका में सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, नाड़ी शोधन, उज्जयी, मूर्छा, भ्रामरी, भस्तिका, ये सब प्राणायाम दिए गए हैं, जिससे हम अपने पूरे प्राण को सक्रिय कर सकें, ऊर्जा से भर सकें। आप भी देखो, अगर शरीर में प्राण कम है तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, प्राण बढ़ा है तो अपने आप चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो प्राणायाम के द्वारा हम अपने पूरे प्राणों को, जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, इनमें शुद्धता लाते हैं, प्योरिटी लाते हैं, पूरे शरीर को सक्रिय करते हैं। इसका फल क्या होता है, वो बोलते हैं तथा छीते प्रकाशवर्ण, जो प्रकाश के ऊपर आवरण आ गया है ना, इस प्राणायाम करने से ये आवरण उठता है, जो हमने अपने को शरीर मान लिया, विचार मान लिया, भावनाएं मान लिया, ये
इससे हम सब लोग बाहर निकलते हैं और असली स्वरूप सच्चित आनंद अहम ब्रह्मस्मि स्योऽहम, जो तू है वही मैं हूँ, बोलते हैं यत् पिण्डे तत् ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में उस शरीर में उसका ज्ञान होता है, छोटी छोटी चीजें हटती हैं। फिर हमारा मन धारणा के लिए तैयार होता है, एकाग्र होता है, एक जगह टिकने लगता है, तो हम धारणा की तरफ बढ़ते हैं। प्राणायाम के बाद उन्होंने बताया प्रत्याहार, प्रतिधर आहार, जो इंद्रियां बाहर की तरफ आहार ग्रहण कर रही हैं, बाहर से इनको अंदर की तरफ लेके आना प्रत्याहार है। देखिए हमारा मन कहीं देखने में, कहीं बात करने में, कहीं इधर, पूरी शक्तियां बाहर की तरफ चली जाती, पूरी शक्ति निस्तेज हो जाते हैं, जबकि चाहते तो हम सब सफल हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब शक्ति बिखरी अवस्था में होगी तो आप कैसे अपनी ऊर्जा को अपनी दिशा में लगा, जैसे बरसात का पानी है पूरा बह जाता है, किसी काम आता है क्या, और उद्दंडता लाता है, लेकिन अगर उसको कहीं बांध दें, दिशा दे दें, कहीं रोक दें, तो उससे चाहे सिंचाई करो, बिजली पैदा करो, पीने में लेके आओ, सब में उपयोग आ सकता है। इसी तरीके से जब हमारी ऊर्जा को, जो बाह्य वृत्ति है इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा रही, उसको मोड़ देना अंदर की तरफ, अंदर ही रमने देना उसको, तो हम पूरी तरीके से शक्तिशाली बन जाते हैं, ऊर्जान्वित बन जाते हैं। तो प्रत्याहार का पालन करने से इंद्रियाँ मजबूत होती हैं, हम मजबूत होते हैं, मन मजबूत होने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों में हम बिखरते नहीं, हमारा दम सम ये सब ठीक होने लगता है। फिर आता है, अच्छा ये जो पांचों है ना, इसको महर्षि पतंजलि जी कहते हैं बहिरंग है, ये बाह्य चीज़ें हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब आते हैं अंतरंग, ये आठ चीज़ों से मिलकर बने, पांच अभी हमने देखा, तीन क्या है, धारणा ध्यान समाधि। धारणा क्या है, देश बंधस्य चितस्य धारणा, किसी देश बंध जगह किसी वस्तु में एक बार अपने मन को एकाग्र कर लेना, वहाँ धारण कर लेना, धारणा है। देखो हमारे पूर्वजों ने कितना बढ़िया तरीके से गांव में मंदिरों का निर्माण किया था, देवी देवताओं का निर्माण किया था, कहीं तो मन लगे, आप अच्छे हो बुरे हो कोई बात नहीं, आप तामसिक हो तो काली मैया की पूजा कर लो, आप शरीर संवर्धन के लिए तो बजरंगबली की पूजा कर लो, आप आदर्श रूप में चलने चाहते हैं तो राम की कर लो, आप प्रेमी हैं लोगों को हंसमुख बनाना चाहते हैं तो कृष्ण की कर लो, शिव की कर लो, तो अपने आप वैरायटीज दिया अपने ऋषि मुनियों ने, क्योंकि देखो भाई किसी को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को पनीर अच्छी लगती है, अब कहो कि भाई एक है मानो तो कैसे चल सकता है, हर व्यक्ति रज तम सत्व तीनों अवस्थाओं से बना हुआ है, तो ये बड़ा वैज्ञानिक धर्म है और भारत विकेंद्रीकृत चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको जो मन लग रहा है कहीं से भी लग, सरस्वती माता को विद्या के ज्ञानी उनको करते थे, आप कहीं एक जगह अपने को धारण करने के लिए मूर्तियाँ बनाई गई, ऐसे मंदिर बनाए गए, ये बड़ा वैज्ञानिक है, आप कभी पुराने मंदिरों में जाइए ओमकार करिए, वहाँ से भी ओमकार की ध्वनि आएगी, थोड़ी देर बाद आप गायब हो जाते हो, आप ऊर्जा का वर्तुल बन जाते हो, नीचे की ऊर्जा जो नीचे की तरफ बह रही है वो ऊपर की तरफ आने लगती है। तो ये मूर्तियाँ बनाई गई थी, ये पूजा पाठ कि देवी मैया को फूल चढ़ा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, घंटा घड़ियाल बजाने से क्या होता है, आपका मन जो बाहर के विचारों में फंसा है वो टूट जाता है, एकाग्र होने लगता है। तो ये सब जो पूजा पट्टी कर्मकांड ये बनाए गए थे अपने आप को स्थिर करने के लिए, एक जगह पे जब आप टिकते हैं तो शक्ति एकत्रित होती है, विचार भावनाएं इंद्रियों में फिर आपका बहना रुकता है, समझ रहे हैं, इसलिए अपने पूर्वजों ने हर गांव में मंदिर बनाए, कहाँ बनाए, तालाब के किनारे, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, क्यों, बरगद पीपल महुआ नेचर के साथ जैसे ही आप बैठते थे तो जिन ऊर्जाओं से आप बिल्कुल निस्तेज हो गए फिर से ऊर्जा से भर जाते थे। तो हमारा धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक, हम सबको जानना और समझना जरूरी है। आज हम जिन चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं उन मंदिरों को साफ सुथरा करो, वहाँ कभी बैठो, वो ऊर्जा के पवित्र स्थान है। धारणा का मतलब है, देखो कुंभ लगते हैं, क्यों लगते हैं, हम एक जगह एकत्रित होते हैं, सबका मन एक जैसा होता है, धारण करते हैं उस जगह को जहाँ हजारों साल से पूजा पाठ और ये सब इसी मन से लोग भागवत कथाएं हुए, आप एक जगह एकाग्र हो जाते हैं, धारित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं अपने आप से, बाह्य दुनिया से कट जाते हैं,
तो किसी बिंदु, किसी वस्तु, किसी मूर्ति, किसी चीज में अपने आप को, सूर्य, चंद्रमा, मंदिर, कहीं भी अपने आप को टिकाना, वो क्या हुआ? धारणा। अब क्या होता है, इसके आगे आता है ध्यान। तो ध्यान क्या है? तत्प्रत्यक्तानता ध्यान। जैसे एक जो जहाँ धारणा किया, अब वो एक लय में बहने लगे, एक तार में होने लगे। अब उसमें कोई विचार ऐसे नहीं आ रहा है कि वो हिल नहीं रहा, कि बार बार इधर उधर हिल। धारणा में हिलने की संभावना है, ध्यान में पूरा एक लय हो जाए। ये कब होता है? ध्यान के प्रिंसिपल्स हैं तीन, अकिंचन, अचाह, अकार्य। कुछ देर के लिए आप ऐसे बैठिए, मान लो लगता है कि अरे हम ध्यान कैसे कर पाएंगे, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अकिंचन मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, अकार्य मुझे कुछ नहीं करना, अचाह मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी भावना से आप कुछ देर बैठिए अपने साथ, आप अपने साथ एक तार हो जाएंगे, विचार, भावनाएं सब हट जाएगा, आप बिल्कुल शांत होते चले जाएंगे। ध्यान, ध्यान हमें हमसे जोड़ता है, ध्यान हमारे पूरे अस्तित्व की सफाई करता है, सारी चीजों में लयबद्धता लाता है। और वो ध्यान जब लगातार उसी जगह पे हो जाए, तो क्या कहते हैं, समाधि, समधन अस्थि, जो अपने आप में स्थित हो गया, तदेवार्थ निर्भासम स्वरूप शिन्न म्यू समाधि। कोई निर्भास ही नहीं है, कोई हलचल ही नहीं है, शून्यता आ गई। अब कोई विचार आपको प्रभावित नहीं कर रहा, कोई भावना आपको प्रभावित नहीं कर रही, आप अपने आप में स्थित हो गए हैं। यही तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना योग है, उससे होगा क्या? उन्होंने अगले सूत्र में कहा, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो जो समाधि है, जो महर्षि पतंजलि की पहली, दूसरी, तीसरी परिभाषाएं हैं, ये समाधि है, अपने आप में स्थित हो जाना। संसार में रहेंगे, समाधि संसार में रहेगा, लेकिन उसको कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती। कई प्रकार की समाधियों का वर्णन अपने पतंजलि योग सूत्र सब में है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निर्वीज समाधि, सबीज समाधि, विवेक ख्याति, धर्म में समाधि। जब आप इसका पूरा वर्णन करेंगे, तब आप इन और गहरे गहरे में चलते चले जाएंगे। तो आज जो अभी हम छोटी सी चीज़ों के माध्यम से सामान्य रूप से जो अभी ये समझने का प्रयास किए, कि ये अष्टांगिक मार्ग को अपना के हम जीवन की पूर्णता की तरफ बढ़ सकते हैं, सुख शांति से अपना जीवन जी सकते हैं। देखो भाई, एक कला की तो आवश्यकता होती है। आप कलाकार बनोगे, पेंटिंग डेंटिंग करोगे, तो कुछ दिन सीखोगे ना कहीं जाके। आप खिलाड़ी बनोगे तो भी कहीं ना, तो ये जीवन को कैसे जिया जाए? यहाँ तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, जो अपना प्यारा है वो भी छूट के जाएगा, कभी बड़े होंगे कभी छोटे होंगे, ये होना तय है। तो क्या होगा, जब सब चीजें चली गई तो दुखी होके बैठ गए, जब सब चीजें सुख हुई आ गई तो फिर इतराने लगे? ये जीवन की यात्रा नहीं। ये सब कुछ होते हुए भी जीवन में कैसे सुख शांति, सुख दुख, कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि अरे ये बताइए, योगी के लक्षण क्या होते हैं, कैसा दिखता है, क्या होता है? उन्होंने कहा, सुख दुख लाभ हानि यस यपयस, जिसमें सब में समान रहे, वही क्या है? योगी है। वही क्या है? साधक है। तो अपनी जिंदगी को क्या फुटबॉल थोड़ा बनाना है, कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा, हम लोग ऐसे भागते भागते पूरा जीवन काट दिए। ये मनुष्य जीवन बहुत अद्भुत मिलता है। आज की वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम में बढ़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, आप जो लोगों ने इस वीडियो को सुना, इसको पूरी अच्छी तरीके से अध्ययन करिए और इसको समझिए और जीवन में उतारने का प्रयास करिए। हम सब विश्वविद्यालय से आपके साथ में हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, कुछ भी ऐसा लगता है, विश्वविद्यालय के वेबसाइट में जाएंगे, हर शिक्षक का नंबर पड़ा हुआ है, योग विभाग में मेरा भी नंबर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से सब शिक्षकों से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, शायद आपको कुछ और अच्छे से आता है, तो मिलजुल कर इसको और सुंदर बनाएंगे और इसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पूरी टेक्निकल टीम का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरी व्यवस्था को संचालित कराने में माननीय विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया, जो इस कार्यक्रम को आपके जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं,
तो आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं जिसमें हम और सुंदर करने का प्रयास करें। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।